एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि शरीर के चिथड़े उड़ गए हैं और परिजनों का वहां पर बिलाप है। दोनों तरफ से लगभग 3-3 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए एसएस ने सुना सुना। सुनते हैं जाम का क्या आलम है। यात्री पैदल जाने के लिए मजबूर है क्योंकि जाम बहुत दूर तक लगा हुआ है और आने जाने का कोई प्रॉपर वाहन नहीं मिलने के कारण लोग अपने गंतव्य स्थान तक पैदल ही निकल गए हैं। ये देखिए सामान किस तरह से हाथ में लटका के ले जा रहे हैं। ये देखिए बड़ी के पास परिजनों का विलाप। अभी आप हमारे साथ लाइव है हाईवे होटल बनस्पति में। यहाँ पर आप देख सकते हैं NH-77 पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, सभी के सभी यहाँ पर लोग देख रहे हैं। थाना अभी तक पहुँची नहीं है। थाना यहाँ से बस महज 3 किलोमीटर के रेंज में होने के बाद भी थाना अभी यहाँ पर स्पॉट पे पहुँची नहीं है और जाम काफ़ी लंबा चौड़ा दोनों साइड लगा हुआ है। पर परिजनों का विलाप देखिए, आप देखिए एक्सीडेंट होने के कारण से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। यात्रियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट पॉइंट पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जल्दी से करो सब्सक्राइब।